झारखंड में वर्ष 2021 को नियोजन वर्ष घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है, जिससे युवाओं में काफी नाराजगी है और कई बार उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने गुस्से का इजहार किया है। कभी एक इशू पे तो कभी दूसरे इशू को लेकर उनका जो ट्विटर है, ट्विटर पे ट्रेंड करवाते रहे अपनी मांगों को। कभी जो है उन्होंने ये कहा है कि नियुक्ति वर्ष का करो बहिष्कार, नियुक्ति वर्ष का करो अंतिम संस्कार, इस तरह के भी नारे उन्होंने दिए और ट्विटर पर ट्रेंड कराया। और साथ ही साथ अलग अलग मांग को लेकर कभी हेमंत सोरेन के जन्म दिवस के अवसर पर केक काट कर उन्हें संदेश दिया कि आखिर जेपीएससी का जो इश्यू है वो कब रिजॉल्व होगा। गलती नहीं है किसी की, फिर भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उसको भी ऐड कर दिया गया रिजल्ट के साथ। मामला जो है वो पेंडिंग है, लिटिगेटेड हो गया, हाईकोर्ट तक पहुंच गया। 326 पदों पे बहाली हुई थी, जिसे रद्द करने का आदेश जो है सिंगल बेंच ने दिया था। बाद में जो सफल अभ्यर्थी थे वो डबल बेंच में चले गए। फिर जो है बाकी जो असफल अभ्यर्थी थे उन्होंने कैविएट फाइल किया। उसी तरह 3096 पद के लिए रिजल्ट निकाला जाना था, पंचायत सचिव का, वो नहीं हो पाया। और इसके अलावा जो है सिपाही बहाली, तरह तरह के जो नियुक्तियां हैं उसमें जो है लगभग बहुत सारे 16,000 पद के आसपास वो लिटिगेटेड होकर कोर्ट में फंसे हुए हैं। जब उस पर फैसला आएगा तब नियुक्ति हो पाएगी। इसी तरह से 17,500 TGT टीचर्स की बहाली हुई थी, तमाम लोगों को बहाली दिया गया, लेकिन हिस्ट्री सिविक्स से जो शिक्षक बने थे, संस्कृत से जो शिक्षक बने थे, 1500 लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई। वो जो है सड़कों पे है, लगातार रोजगार मांग रहे हैं। तो रोजगार इस बार एक बड़ा मुद्दा होने वाला है झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में, जिस पर जो है सरकार को घेरने का पूरा जो है प्लान कर रही है विपक्ष। साथ ही साथ जो नियोजन नीति बनाई गई है उस पर भी कई सवाल उठाए हैं विपक्ष ने। यहाँ पे अगर आपको नौकरी चाहिए तो 10वीं और 12वीं की पढ़ाई जो है वो नौकरी की मांग करने वालों को झारखंड से उन्होंने अगर क्वालिफाई किया मैट्रिक और इंटर का एग्जाम तभी वो एलिजिबल होंगे, ये जो है शर्त रखी गई है। साथ ही साथ अब ये फैसला ले लिया गया है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो Grade 3 Grade 4 के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें प्रीलिमिनरी PT के एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, यानी प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होते थे वो अब नहीं होंगे, सिर्फ मेन पेपर होंगे, उसमें क्वालिफाइंग पेपर जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान का पेपर और उसके अलावा जो है पेपर रखा गया है जो सब्जेक्ट का, और क्वालिफाइंग जो है अब कर दिया गया है रीजनल लैंग्वेज को, जिसमें 11 लैंग्वेज को रखा गया है, हिंदी और संस्कृत नहीं है। तो ये भी एक ऐसा इशू है, ऐसा कंटेंशियस इशू है जो सदन में 3 सितंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष उठा सकती है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है वो गूंजने वाला है। साथ ही साथ रूपा तिर्की का जो मामला है, जिसके कनेक्शन जो है हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जोड़े जा रहे हैं, उसमें CBI जांच हो गई है, तो उस पर भी विपक्ष जो है घेरने के मूड में है सरकार को। साथ ही साथ अन्य कई मुद्दे हैं, पुल जिस तरह से गिरे बरसात में, 3-3 पुल जो है गिर गए, तो ये तमाम मुद्दे जो हैं वो इस बार गूंजने वाले हैं। सबमिट किया गया, 2 दिनों का इन्वेस्टर सबमिट किया गया, लेकिन इसके पहले जो सबमिट हुए थे उसकी वास्तु स्थिति क्या है, वो रियलिटी में उतर पाया या नहीं, तो ये तमाम चीजें, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। विपक्ष के तर्कस में कई तीर है जिसका बचाव जो है सत्ता पक्ष को करना होगा। हालांकि विपक्ष से भी कई सवाल पूछे जा सकते हैं सत्ता पक्ष के तरफ से कि उनका जो है किस तरह का रोल रहा है। बाबूलाल मरांडी जो लेजिस्लेचर पार्टी लीडर हैं BJP के, उनको भी जवाब देना पड़ सकता है। जिस तरह से एक रेप का मामला उनके एडवाइजर के ऊपर आरोप लगा है, तो उस पर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को भी थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है झारखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू हो रहा है और 9 सितंबर तक चलेगा, वो काफी स्टॉर्मी और हंगामेदार रह सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची
आज तक।